हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे पीटेक्शन में। तो दोस्तों, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले सीटेट और डीडीए के बारे में। दो जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, यानी सीटेट का और डीडीए का, तो दोनों एग्ज़ाम डेट एक साथ टकराने वाली है और दोनों की डेट एक है, यानी 20 तारीख में दोनों का डेट सेम दी गई है और टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। सीटेट का एग्ज़ाम 20 तारीख में दिया गया है और डीडीए का जो एग्ज़ाम है वो भी 20 तारीख में दिया गया है। इसमें डेट आप देख सकते हैं, 20 तारीख दी गई है, और जो डीडीए का एग्ज़ाम है वो आपका पटवारी का, वो भी 20 तारीख में दिया गया है, यानी कि दोनों एक दिन डेट होने वाली है। अब किस तरह आपको एग्ज़ाम देना है, कौन सा देना है, वो आपको चॉइस कर सकते हैं। ऑब्वियस लोड इसमें आपको दिखा देता हूँ किस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों की डेट सेम होने वाली है। दोनों का शेड्यूल जारी हो चुका है, एग्ज़ाम सिटी और डेट टाइमिंग सभी की जारी हो चुकी है। पहले आप दिखा देते हैं आपको डीडीए के बारे में। अगर आपको ऑफिशियल नोटिस देखना है तो सिंपली आप इसकी डीडी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी हाल ही में जैसे आप नोटिस आया था डीडी की तरफ से कि जो आपके एग्ज़ाम है शेड्यूल जारी हो चुका था, आपका जो एग्ज़ाम है पटवारी का वो 19 तारीख से लेकर 20, 26 और तारीख में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पटवारी की जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, 08 कोड यहाँ पर दिया गया है, 19, 20 और 26, तो तीनों डेट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसी बीच में जब 20 तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत से बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम भरा हुआ है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पटवारी का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, तो दोनों के एग्ज़ाम की डेट सेम हो गई है। अब आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है, वो आपको पर डिपेंड करता है। तो देख लें टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग आपके शेड्यूल में जारी हो चुकी है, इसका स्टेटस आ चुका है पटवारी का, वो आपको क्या चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपका सीटेट का नोटिस आया हुआ था हाल ही में, सभी चीज़ ऑफिशियल है, कोई फेक नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 9 जून में यहाँ पर नोटिस आया था, इसका भी 20 तारीख में एग्ज़ाम दिया गया था, ये देख सकते हैं। और इस सीटेट की तरफ से भी शेड्यूल जारी हो चुका है एग्ज़ाम का और ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। एग्ज़ाम सिटी और डेट टाइमिंग सभी दे दी गई है। अब कहाँ देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ सभी आपको। दोनों के जो एग्ज़ाम डेट है वो 20 है। अब चलते हैं सिंपली आपको लेकर ऑफिशियल साइट पे। अभी हाल ही में ही डीडी की तरफ से 6 अगस्त में नोटिस आ गया है कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास मेल आ गई है, नो रिप्लाई डीडीए की, यहाँ पर जब जिसे ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन करने के बाद सामने आपको ओपन लिंक दिया जाएगा कि आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस है सर्टिफिकेट वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे स्क्रॉल के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि आपको जो एग्ज़ाम है 20 तारीख का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। ये देखा दोस्तों 20 तारीख की डेट, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो प्रॉपर आपका आएगा वो आपको 16 तारीख में दिया जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं 16 तारीख में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसी तरह से आपका सीटेट का स्टेटस चेक करना है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। और जो डीडी वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पर अपना जाके चेक कर सकते हैं, उनके पास मेल आ चुकी है, तो यहाँ पर अपना सिटी और अपना चेक करने की टाइमिंग आपकी होने वाली है। अगर दोस्तों दोनों की सिटी आपकी सेम है और टाइमिंग अलग अलग है, अब डिस्टेंस कम है, तो आप एग्ज़ाम देने में सक्षम है तो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप एक एग्ज़ाम छोड़ते हैं या एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह आपको एग्ज़ाम देना है। अब चलते हैं दोस्तों सीटेट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीटेट का भी यहाँ पर लिंक जारी हो चुका है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट वगैरह, आप पिन कोड वगैरह डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सामने आपको डिटेल दिखाई दी शो करेगी, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगी सिटी, किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है, कौन डेट कौन सी है और आपका टाइमिंग क्या होने वाली है। सेंटर जो आपका जारी होगा वो भी आपका एडमिट कार्ड में जारी होगा 16 तारीख में, तो दोनों की 16 तारीख डेट दी गई है, तो दोनों की डेट सेम है। अब जो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है वो आपको अपने डिपेंड करना है कि आपका एग्ज़ाम कौन से डिपेंड देना है, सीटेट का देना है या आपको डीडी का देना है। मान लीजिए आपका डीडी का एग्ज़ाम है शाम के टाइम का दिया गया है, यानी थर्ड शिफ्ट में दिया गया है, सेकंड शिफ्ट में दिया गया है, और पहला एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं सीटेट का, तो दोनों चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो हो सकता है। अगर आप एक सिटी में है, डिस्टेंस कम है एग्ज़ाम देने के लिए, दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब पूरी जानकारी जो दी गई है डीडीए से लेकर सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका, दोनों एक डेट में है, किस तरह आपको देखना है, कैसा एग्ज़ाम देना है वो आप पर डिपेंड करता है। सब डिटेल के साथ मैं आपको बता दिया गया है, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, स्टेटस दोनों को जारी हो चुके हैं, एडमिट कार्ड आपका 16 तारीख में जारी हो जाएगा।
वहाँ से अपने डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, आपके एग्ज़ाम देने में सक्षम हैं दोनों के, जैसे कह सकते हैं अगर आपका दिल्ली में एग्ज़ाम है सी टेट का, और 16 तारीख में पता चल जाएगा आपका एडमिट कार्ड में कि आपके सेंटर कहाँ से कहाँ हैं, तो उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं सी टेट का और आपका डी डी ए का। दोनों नोटिस आपको दिखा दिए हैं, ऑफिशियल सभी चीज़ें फेक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आपको देख लिया भी होगा आपने, सभी स्टूडेंट का अपनी मेल चेक कर सकते हैं, आपको जब मैसेज आ चुका है। और जो आगे के बचे हुए एग्ज़ाम हैं डी डी ए के, वो भी अभी हाल ही में शेड्यूल जारी हो जाएगा इनके बाद, यानी सितंबर तक आपका नोटिस आ जाएगा। उसके बाद अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, और जो एग्ज़ाम दिए गए हैं उनमें भी अच्छे से तैयारी करते रहें। सी टेट का एग्ज़ाम हाल ही में भी होने वाला है 20 जुलाई में, तो उसके लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जैसे 16 तारीख में एडमिट कार्ड हो जाएगा तैयार, अब दोस्तों आपको मेल के माध्यम से और आपका ईमेल के माध्यम से आपको नोटिस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी खास जानकारी जो दी गई है, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं और यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं डी टेक आप लॉगिन करना चाहते हैं आपको कहाँ देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ जैसे आप डी टेक की साइट पर पाएंगे तो यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आपको डाल लेगा डी डी ए के, जैसे डी डी ए के शुरू में आपको होगा वो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा, पासवर्ड आपको यहाँ डालना है, कैचअप कोड आपको डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपको यहाँ दिखाई देगा तीसरा कॉलम, तो वहाँ आपको दिखाई देगा एग्ज़ाम सिटी, तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं डी डी ए की, तो आपको पूरा पेन डाउनलोड हो जाएगा, आपका सिटी दी जाएगी, आपको टाइमिंग दी जाएगी और आपका दी जाएगी डेट, तो तीनों चेक हम चेक कर सकते हैं किस डेट में क्या टाइमिंग है, अपने अच्छे से देख लें। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आपको दी गई, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।